राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम भग्नशा के अर्थ एवं कारण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। बीएड, एमएड एवं रीट और साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस शब्द के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में भग्नशा के अर्थ के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बहुत सी इच्छाएं व अभिलाषाएं होती हैं, यदि वह समय पर पूरी नहीं होती है तो हम तनाव या भग्नशा महसूस करते हैं। विद्यार्थियों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक है उतना ही कहीं अधिक आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता वह मानसिक दोष या भग्नशा का अनुभव करता है। सकारात्मक सोच उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य की जो सोच है उसके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंसान जैसा सोचता है उसका शरीर भी वैसी प्रतिक्रिया करता है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। व्यक्ति की जो अनेक इच्छाएं होती हैं या आवश्यकताएं होती हैं वो उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वह ऐसा करने में सफल हो। उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। वे बाधाएं उसकी आशाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भंग कर सकती हैं। ऐसी दशा में भग्नशा का अनुभव वो करता है। भग्नशा तनाव और असमायोजन की वह दशा है जो हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में बाधा आने पर उत्पन्न होती है। यहां मैं परिभाषाएं बताना चाहूंगी विद्यार्थियों। गुड्स के अनुसार भग्नशा का अर्थ किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव है। संवेगात्मक तनाव, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है या फिर उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है तब भग्नशा जैसा स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो डिजायर होती है, हमारी जो इच्छा होती है वो जब पूरी नहीं हो पाती है तो हम क्या फील करते हैं? तनाव। कोलेस्ट्रिक के अनुसार भग्नशा उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। जैसे कि यदि आपने किसी एग्जाम की तैयारी की और उसमें अगर आप बार बार क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं या उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप किसके शिकार हो रहे हैं? भग्नशा के। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसको पाने की इच्छा है लेकिन वो आप पूरी नहीं हो पा रही है और आप आपको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जो गेट्स महोदय ने बताए, वो हम देखते हैं। गेट्स महोदय ने भग्नशा के जो कारण बताए हैं उसमें सबसे पहला कारण उन्होंने भौतिक वातावरण बताया। भौतिक वातावरण की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो व्यक्ति की भोजन संबंधी अनेक आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, पर भौतिक वातावरण उसकी पूर्ति में बाधा उपस्थित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं बाढ़, अकाल या भूचाल के कारण फसल नष्ट हो जाती है और किसान क्या होता है, उसी से उम्मीदें लगा के रखता है और फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, भग्नशा की उत्पत्ति आ जाती है उसमें। तो एक भौतिक कारण भी होता है। दूसरा है सामाजिक कारण। व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के कारण सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करना पड़ता है। उसे समाज के नियमों, आदर्शों, परंपराओं, मान्यताओं के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार नहीं होता है। भारत में अगर हम बात करें तो शूद्र, जर्मनी में यहूदी, अमेरिका में निग्रो जाति के लोगों को समाज के नियम और अनेक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। स्वतंत्रता के आधुनिक युग में इस प्रकार के प्रतिबंध उनको क्या करते हैं, भग्नशा का शिकार बना देते हैं। उन्हें लगता है कि समाज में हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। अन्य व्यक्ति भी किसका कारण है, व्यक्ति की कुछ इच्छाओं में दूसरे लोग बाधा उपस्थित करते हैं। जैसे कि बच्चे मेला, तमाशा या सिनेमा देखना जाना चाहते हैं, मजदूर अधिक मजदूरी चाहता है, पर इन दोनों की इच्छाएं अवरुद्ध के कारण पूर्ण नहीं हो पाती और वह अपने को भग्नशा की दशा में पाते हैं। आर्थिक कठिनाई भी इसका एक कारण है। व्यक्ति को धनाव अभाव के कारण भरपेट भोजन या तन ढकने को कपड़े नसीब नहीं हो पाते, अतः वह क्या होता है, भग्नशा की चरम सीमा के विरुद्ध क्या करने लगता है विद्यार्थियों, विद्रोह करने लगता है। तो एक आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
भग्नसा को बढ़ाने में। शारीरिक दोष की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के शारीरिक दोष उसकी अभिलाषाओं पर ब्रज प्रहार करते हैं। लंगड़ा बालक खेल कूद में भाग नहीं ले सकता, बहरा बालक संगीत के आनंद से वंचित रह जाता है। इस प्रकार शरीर के दोष व्यक्ति की आकांक्षाओं को अपूर्ण रखकर उसे भग्नसा का शिकार बना देते हैं। विरोधी इच्छाएं, व्यक्ति की दो विरोधी इच्छाओं में से केवल एक ही पूर्ण होती है। व्यक्ति अपनी एक ही अभिलाषा पूर्ण कर सकता है और दूसरी अवरोध के कारण पूर्ण नहीं हो पाती और वह अपने को भग्नाशा की दशा में पाते हैं। आर्थिक कठिनाई भी इसका एक कारण है। व्यक्ति को धनाव अभाव के कारण भरपेट भोजन या तन ढकने को कपड़े नसीब नहीं हो पाते, अतः वह क्या होता है, भग्नाशा की चरम सीमा पर पहुंचकर समाज के विरुद्ध क्या करने लगता है, विद्यार्थियों विद्रोह करने लगता है। तो एक आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भग्नाशा को बढ़ाने में। शारीरिक दोष की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के शारीरिक दोष उसकी अभिलाषाओं पर ब्रज प्रहार करते हैं। लंगड़ा बालक खेल कूद में भाग नहीं ले सकता, बहरा बालक संगीत के आनंद से वंचित रह जाता है। इस प्रकार शरीर के दोष व्यक्ति की आकांक्षा रखकर उसे भग्नसा का शिकार बना देते हैं। विरोधी इच्छाएं, व्यक्ति की दो विरोधी इच्छाओं में से केवल एक ही पूर्ण होती है। व्यक्ति अपनी एक ही अभिलाषा पूर्ण कर सकता है और दूसरी अभिलाषा पूर्ण ना होने के कारण भी व्यक्ति में भग्नसा उत्पन्न हो जाती है। विरोधी उद्देश्य, व्यक्ति अपने दो विरोधी उद्देश्यों में केवल एक ही को प्राप्त करता है, इसलिए अप्राय उद्देश्य उसकी भग्नसा का जो कारण बनता जाता है जिसे वो प्राप्त नहीं कर पाता है। नैतिक आदर्श, व्यक्ति के नैतिक आदर्श उसकी इच्छा में अवरोध उपस्थित करते हैं। वो अपने क्षुधा पीड़ित बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी करना चाहता है पर नैतिक आदर्श उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते और वो क्या होता है, उसमें भग्नसा उत्पन्न हो जाती है। तो विद्यार्थियों, भग्नसा या कुंठा का मनुष्य के व्यक्तित्व तथा जीवन में व्यवहार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में भग्नसा अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। व्यक्ति की भावनात्मक दशा अस्थिर हो जाती है। असंतुलन बढ़ने के कारण व्यवहार जो है उसका अस्थिर असंयत हो जाता है और असामाजिकता विकसित होने लगती है। मानसिक तनाव बढ़ते हैं और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य क्या हो जाता है विद्यार्थियों, विकृत होने लगता है।